हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ब्रिज प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी। देखिए, ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में यह है, एक सामान्य मतलब कॉमन टाइप्स का मॉडल प्रेजेंटेशन होता है। इसमें जो फीटस होता है, फीटस का लाई लॉन्गिट्यूडनल होता है, किंतु इसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं उसके बटक्स होते हैं। जैसे कि ये दिया है, मान लीजिए ये यूट्रस है, और यूट्रस में हमने पहले पढ़ा कि बेबी का ये जो लाई है लॉन्गिट्यूडनल है, और इसमें जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो नीचे बेबी का हेड होता है और ऊपर इसके बटक्स होते हैं। किंतु अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन, तो इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल बेबी का जो लाई है लॉन्गिट्यूडनल है, किंतु इसमें ऊपर बेबी का हेड होगा और नीचे इसका बेबी का बटक्स होगा। तो ये इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में टू टाइप्स है। फर्स्ट है कंप्लीट ब्रिज, सेकंड इनकम्प्लीट ब्रिज। इनकम्प्लीट ब्रिज के थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फ्रेंक ब्रिज, सेकंड फुटलिंग प्रेजेंटेशन, और थर्ड है नी प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट ब्रिज में और कंप्लीट ब्रिज में क्या होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, बेबी जो है इसमें फुल फ्लेक्स्ड है, फुल फ्लेक्स्ड, पूरा ये फुल फ्लेक्स्ड है, और इसमें जो बेबी का जो थाई होता है वो हिप से मुड़ा हुआ होता है, और जो उसके पैर होते हैं, टांगे, जो लेग होते हैं, ये नी से मुड़े हुए होते हैं। किंतु और इसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो इसके दोनों बटक्स होते हैं, और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, और इसका फुट होते हैं। तो देखिए, ये जो कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है उसमें बेबी फुल फ्लेक्स्ड होता है, इसमें बेबी के जो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं उसके दोनों बटक्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, और इसके फुट होते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड देखेंगे फ्रेंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, फ्रेंक इनकम्प्लीट के अंतर्गत हम देखेंगे। फर्स्ट है फ्रेंक प्रेजेंटेशन। फ्रेंक प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे ये, इसमें क्या होता है, बेबी के जो दोनों पैर होते हैं, दोनों टांगे, जो पैर होती, ये एक्सटेंड होती है, एक्सटेंडेड होती है, मतलब एब्डोमेन की ओर दोनों टांगे एक्सटेंडेड होती हैं, और इसमें जो इसका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होता है, और दोनों बटक्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और बटक्स इसके प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं, तो इसे हम फ्रेंक प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, थर्ड देखेंगे हम फुटलिंग प्रेजेंटेशन। फुटलिंग प्रेजेंटेशन में ये देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, फुटलिंग प्रेजेंटेशन में बेबी का जो प्रेजेंटेशन ऐसा बहुत ही कम केसों में देखने को मिलता है। इसमें जो होता है ना, बेबी का जो थाई या फिर लेग दोनों ही कंप्लीट रूप से फ्लैक्स नहीं होते, और इसमें इसमें क्या होता है, दोनों ना लेग और थाई दोनों ही फ्लैक्स नहीं होते, किंतु इसकी जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है इसमें फुट होता है, मतलब पंजे, तो इसके जो प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में इसके जो पंजे, मतलब नीचे वाला जो पैर का निचला भाग होता है, फुट, ये प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, और इसमें फ्लैक्स नहीं होते, जो ना टांगे फ्लैक्स होती है और ना इसकी थाई फ्लैक्स होती है, मतलब इनकम्प्लीट फ्लेक्सिबल होता है बेबी। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम फुटलिंग, जैसे नाम से ही हम फुटलिंग प्रेजेंटेशन, नाम से ही इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम फुटलिंग प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब इसमें थर्ड आता है नी प्रेजेंटेशन। नी प्रेजेंटेशन क्या होता है, नी प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे, इसमें नाम से जैसे कि नी प्रेजेंटेशन, मतलब नी प्रेजेंट होता है, मतलब घुटना इसमें की प्रेजेंट होता है, और इसमें वेल फ्लेक्स, जो बेबी की जो टांगे होती है वो वेल फ्लेक्स्ड होती है, किंतु ये पीछे की ओर, बेबी के जो टांगे होती है वेल फ्लेक्स्ड होती, परंतु जांगे जो होती है
तनी हुई होती है, एक्सटेंडेड होती है, जांगे तनी हुई होती है, एक्सटेंडेड होती है, व्हील फ्लेक्स्ड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम नी प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके कॉसेस, ब्रिज प्रेजेंटेशन होने के कारण क्या है, ब्रिज प्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसके कुछ कॉसेस है, ये हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे हम ब्रिज प्रेजेंटेशन के कॉसेस क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी मतलब यह ब्रिज प्रेजेंटेशन का सबसे मेन कॉज होता है, प्री मैच्योरिटी। इसमें बिलो द एज ऑफ गेस्टेशन 37 वीक्स, मतलब कि 37 वीक्स के पहले की जो कंडीशन होती है उसको प्री मैच्योरिटी कहते हैं। इस समय बेबी का ब्रिज प्रेजेंटेशन होना सामान्य बात होती है, और ऐसे केसेस में प्री मैच्योरिटी के समय में ब्रिज प्रेजेंटेशन का ये सबसे सामान्य प्रकार का कॉज होता है। सेकेंड देखेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे कि ट्विंस, ट्रिपलेट, इस प्रकार की प्रेगनेंसी में ब्रिज प्रेजेंटेशन होने के ज़्यादा संभावना होती है। थर्ड देखेंगे ओलिगो हाइड्रोमनियास या पॉलीहाइड्रोमनियास। ओलिगो हाइड्रोमनियास या पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन में फ्रूट बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, ऐसी कंडीशन में भी ब्रिज प्रेजेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड देखेंगे मल्टीपेरा। मल्टीपेरा में क्या होता है, मल्टीपेरा में जब एक से बेबी जो मदर होती है वो बार बार प्रेगनेंसी होने के कारण उसका जो यूट्रस का जो वॉल होता है वो शिथिल, मतलब वो ढीली हो चुकी, जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो थोड़ी शिथिल मतलब ढीली हो चुकी होती है, जिसके कारण कि उसको ब्रिज प्रेजेंटेशन होने का कॉज हो सकता है। पांचवा हम देखेंगे गर्भ फीटस की जो एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे कि हाइड्रोसेफेली फीटस है या एनासेफेली होता है, इस प्रकार के जो फीटस में कुछ जन्मजात या कंजेनाइटल डिजीज पाई जाती है, जिसके कारण कि ब्रिज प्रेजेंटेशन होने के कॉसेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यूट्रस की कुछ एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, जैसे कि बाइकॉनिट या सेप्टेड यूट्रस, इस प्रकार के यूट्रस में कुछ असमानताएँ होने के कारण भी ब्रिज प्रेजेंटेशन की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद देखेंगे हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने के कारण भी ब्रिज प्रेजेंटेशन की संभावना बढ़ जाती है। एट देखेंगे गर्भस्थ शिशु इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाना, मतलब बेबी जब यूट्रस के अंदर ही बेबी की डेथ हो जाती है, तब ऐसी कंडीशन में भी ब्रिज प्रेजेंटेशन की संभावना बढ़ जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में भी अपन जो देखते हैं इसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया मतलब नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के अपर साइड में सिचुएटेड होता है, किंतु कभी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण कि ब्रिज प्रेजेंटेशन के कॉसेस बढ़ जाते हैं। फिर लास्ट में दसवां देखेंगे हम पूर्व में सिजरियन सेक्शन की हिस्ट्री। यदि मदर को पहले सिजरियन सेक्शन हुआ हो, तब ऐसी कंडीशन में भी ब्रिज प्रेजेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये 10 कॉसेस है ब्रिज प्रेजेंटेशन होने के, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस, ब्रिज प्रेजेंटेशन का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट देखेंगे एब्डोमिनल पाल्पेशन करके। एब्डोमिनल पाल्पेशन करके हम ब्रिज प्रेजेंटेशन का पता लगा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि फीटस का कौन सा भाग जो यूट्रस के ऊपर वाले यानी कि फंडस में स्थित है। फंडस में यदि जो स्थित जो पार्ट होता है वो स्मूथ हार्ड तथा ग्लोबुलर होता है, तो यह फंडस में हेड का प्रेजेंटेशन माना जाता है। और यदि
इसमें यूट्रस के लोअर साइड में हम देखते हैं तो एक मतलब ब्रिज कहना चाहिए, असामान्य सा मांस का जो ऐसा गोला टाइप का दिखेगा हमें, और उसका कोई साइज नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, और ऐसे उसको जैसे हम हाथ से ऐसे दबा के देखेंगे तो वो थोड़ा हमें सॉफ्ट सा फील होगा। इरेगुलर मांस का ऐसे पिंड के जैसे दिखाई देगा जो सॉफ्ट होगा, तो ये होगा फंडस। तो इस प्रकार के और ऐसे हिलाने पे हिल सकता है वो। तो ये नीचे साइड में हम देखेंगे इरेगुलर जो मांस का पिंड होता है, ये बटक्स का बटक्स प्रेजेंटेशन का हमको इससे पता चलता है, ठीक है। तो फंडस के ऊपर साइड में देखेंगे तो हार्ड एक गोल सा फील होगा जो हेड होगा, और नीचे साइड में यूट्रस के नीचे साइड में यदि हम फील करके देखते हैं तो एक इरेगुलर मास का पिंड हमें महसूस होगा जो कि सॉफ्ट होगा। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, ये पेल्विक ग्रिप में हमें उसका बटक्स का फील हुआ, और ऊपर साइड में फंडस ग्रिप में देखे हमने तो हेड समझ में आया। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं। सेकंड देखेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो एग्जामिनेशन के दौरान ईशियल ट्यूबरोसिटी के बीच में एनस फील होता है, और इसमें क्या होता है बटक्स भी फील होते, कभी एनस भी फील हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं। फुटलिंग सेकंड देखेंगे हम फुटलिंग प्रेजेंटेशन। जब हम पीवी करते हैं तो हमें फिटस के पैर यानी नीचे के जो पंजी होते हैं वो वेजाइनम में फील होते हैं या लटके हुए फील होते हैं, तो इस प्रकार हम इसको फील कर सकते हैं। थर्ड हम जब पीवी करते हैं तो हमें थिक मिकोनियम प्रेजेंटेशन के समय जब हम देखते हैं पीवी करके तो हमारे फिंगर में थिक मिकोनियम महसूस दिखाई देता है, जो कि हमें यह समझ में आता है जिससे कि ये ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि थिक मिकोनियम जब भी आएगा क्योंकि उसके बटक्स नीचे साइड में है। यदि मान लो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो नीचे हेड होता है, जिसके कारण कि हमें अगर मान लो ऊपर बटक्स है अगर वो मिकोनियम पास भी होता है तो यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूट होने के कारण वो पूरे उसमें फ्लूट में मिल जाता है, जिसके कारण हमें जो मिकोनियम होता है वो पतला हो जाता है और वो ऐसे मतलब पतला दिखाई देता है। लेकिन जब ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है तो बटक्स नीचे होने के कारण जो मिकोनियम होता है वो सीधे फिंगर में लगता है और वो मतलब गाढ़ा सा हमें फील दिखाई देता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन के समय में हम कभी जो फील करते फिंगर से कई बार गलती से शिशु की जो एनस होता है उसको हम मुंह के रूप में भी मतलब बेबी का माउथ तो नहीं इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। थर्ड है एस्कल्टेशन। एस्कल्टेशन में हम FHS देखते हैं बेबी का। इसमें क्या होता है एस्कल्टेशन के समय जब बेबी का जो यूट्रस होता है और मान लीजिए ये बेबी का यूट्रस है तो इसमें ये बीच में नाभि है, तो जब ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है तो ये ऊपर हेड है नीचे बटक्स है। यदि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है मतलब नीचे हेड होता है तो हमें जो FHS होते हैं वो नाभि के नीचे या नाभि के आसपास ऐसे नीचे में फील होगा FHS। किंतु जब ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा तो नीचे बटक्स होंगे और ऊपर हेड होगा, तो ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है FHS बेबी के ऊपर फील होते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन में नाभि के ऊपर FHS मतलब फंडल हार्ट साउंड सुनाई देता है, और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में नीचे,
इस प्रकार हम ट्रांसवर्स लाई जब देखते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन में भी जब बच्चा ऐसे आड़ा होता है तो ऐसी कंडीशन में भी जो FHS होते हैं वो नीचे की ओर, नाभि के नीचे की ओर सुनाई देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्रिज प्रेजेंटेशन को कंफर्म करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्लियर हो जाता है कि बेबी ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कल आगे। थैंक यू।